वेलकम एंड नमस्ते, मैं हूँ संजीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे, तो मेरे सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को हैप्पी संडे। एंड गए हैं अभी बाजार, क्योंकि आज उनका सुबह सुबह बोल रहे हैं कि चिकन खाने का मन है। और अब मैक्सिमम संडे में हर घर में शायद चिकन बनता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो, और फ्रिज पूरा खाली है। तो मैंने वेजिटेबल का लिस्ट भी उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया है, तो वही बस वो लाने गए हैं। आज मैंने हस्बैंड को बोला है कि वो चिकन बना दे, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड ऊपर से वो चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। उनकी चिकन बिरयानी की रेसिपी एक बार मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, यू मस्ट वॉच एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मुझे लगता है मैंने आज तक का बेस्ट बिरयानी उनके हाथ से ही खाया है। बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह में खाया है पर उनके जैसा टेस्ट नहीं लगा मुझे, तो एक बार मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड वो चिकन भी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आज बना दो आप चिकन। और सुबह में मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट में चना मसाला, और रोटी चना मसाला भी रह गया है, उसमें भरपूर आलू है, तो फिर या फिर देवर आराम से खा सकते हैं। और कल का दाल बचा हुआ था, तो उसके साथ में कुछ आलू या पापड़ फ्राई कर दूँगी, तो हो जाएगा आज का लंच। क्यों आछे पापा आछे पापा कोदा जे गिए छिलो दुकाने भाई का आना जाए ना तो पाखुरिया ने ने पाला इटा उठाओ उठाओ इटा उठाओ टमाटो नहीं आसो टमाटो नहीं आसो जाओ टमाटो नहीं आसो आ चुके हैं बाजार से। तो पहले चावल चढ़ा दिया है, वो सिर्फ चिकन बनाएंगे, धो के काट के ऐसा मसाला रेडी करके देना पड़ेगा, वो सिर्फ बनाएंगे, फिर भी थोड़ा रिलीफ है। तो तब तक मम्मी जी को मैंने चाय दे दिया है, अभी मैं चाय पीऊँगी। तो हो चुका है, देखिए किचन पूरा क्लीन है, मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। प्याज मतलब ऐसे ग्रेट कर लिया है, थोड़ा चॉप करके दिया है, अदरक लहसुन मैंने ग्रेट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे शेफ़ आ चुके हैं, और आते ही इनका कंप्लेन है कि प्याज इतने बड़े बड़े क्यों काटे हैं, तो ये खुद से ही चॉप करने लगे हैं। बोल रहे इतना बड़ा बड़ा प्याज दिया है कि बॉयल ही नहीं होगा। सो आई रिप्लाइड दैट टाइम कि इतनी गर्मी में लोग बॉयल हो रहे हैं, और ये तो मतलब छोटा सा एक प्याज है, ये तो आराम से बॉयल हो जाएगा। ये इनके एक्सप्रेशन, गर्मी में हालत ख़राब हो गई है, और इन्होंने चिकन पुरा नहीं बनाया, आधा बना के भाग गए थे, बोल रहे इतनी गर्मी है तुम देख लो अपने हिसाब से। तो ये चले गए थे, और मैंने उसके बाद किचन भी क्लीन कर दिया था, तो यहाँ पे मेरा हो चुका है। तो ये देखिए ऐसे खाते हैं हम दोपहर का लंच। देखिए मम्मी जी का प्लेट है, भरी बैठ गया है, वो बोल रहे हैं उसका प्लेट है तो वो खा रहा है। देखिए हम लोग ऐसे करते हैं लंच, फिलहाल तो मम्मी जी नीचे बैठी हो, कि अभी हम लोग खड़े होके लंच करते हैं। रियो भी खा रहे हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल एंड हैप्पी संडे। सुबह मैंने विश कर दिया था, जिन्होंने मेरा मतलब वीडियो सुबह में नहीं देखा, अभी देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फिर से गुड इवनिंग एंड हैप्पी संडे। तो आप लोग सोच रहे हैं मैं ये सब लेके क्या कर रही हूँ, ये सब लेके कुछ नहीं है, अभी हम लोग मुरमुरा खाएंगे, और इसके साथ ये वाला भुजी, ये वाला जो शोलो आना, जो लोग बेंगोली है उन लोग को पता होगा शोलो आना, शायद नॉन बेंगोली बहुत सारे लोग खाते होंगे छोले, वो सब बातें ये शोलो आना। तो अभी मुरमुरा मतलब प्याज और हरी मिर्च के साथ इसको मैं बनाऊंगी, और साथ में बनाऊंगी ब्लैक टी। और आप लोग सोच रहे हैं ये ड्रेस मैंने क्यों पहना, मैंने अभी थोड़ा एक्सरसाइज किया था एंड झालमुड़ी बनाबो, हम तुम दाड़ाओ हम झालमुड़ी बनिए देव ना, तुम्हारे हम बाटे देव ना, तुम जाओ रान्ना करते के जाओ। देखिए रियो के वजह से हम लोग तो अच्छे से खाना भी खा पाते हैं, और अभी देखिए रियो क्या कर रहा है।
आज तो फिलहाल हम लोगों ने बैठ के खाना खा लिया। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग खड़े होके प्लेट हाथ में लेके फिर खाते हैं, या फिर सोफे में बैठ के। डाइनिंग टेबल है, ऐसा नहीं है कि डाइनिंग टेबल नहीं है घर पे, डाइनिंग टेबल है, पर इसके रहते हुए अभी हम लोग टेबल में बैठ के आराम से नहीं खा पाते हैं। टेबल में क्या, नीचे बैठ के भी हम लोग आराम से नहीं खा पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रियो। तो यहाँ पे देखिए अभी इसको मूढ़ी जानवर मूढ़ी खाया है ये अभी कि हमें जानवरी पानी दी के फिर चले गए। बोला कि तुम देख ले ना जैसा बनता है मतलब बना लो तुम अपने हिसाब से, ऐसा हाल हो गया था। तो अभी सोचिए हम लड़कियां जो दिन भर सुबह से उठ के रात तक मतलब किचन में मतलब रहते हैं, तो हम लोगों का क्या हाल हो रहा है गर्म के गर्म में। और इन लड़कों का देखिए सब कुछ मैंने रेडी करके दिया था, यहाँ तक तरकीब में क्या देना है क्या नहीं एवरीथिंग, फिर भी लास्ट में बोले पानी देके तुम अपने हिसाब से तुम देख लेना, मैं जा रहा हूँ। हालत खराब हो गई थी उनकी। और लंच करते करते लेट हो गया था, मतलब चार बजे हम लोग बैठे, फिर साढ़े चार तक हो गया था। उसके बाद में साढ़े चार बज गया था, तो मुझे रियो को सुलाना था, रियो को कोई और नहीं सुला पाता है मतलब मुझे छोड़ के, तो इसलिए मैंने आज बर्तन भी नहीं धोया है। तो यहाँ पे हम सब बैठ चुके हैं चाय और मुरमुरा लेके, मैं चाय नहीं पी रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है। और ये जो लड़की है छोटी सी, ये मत समझिएगा कि ये मेरी बेटी है, ये हमारी नेबर्स की बेटी है, वो हमेशा आती रहती है क्योंकि रियो और प्रीत से उसका बहुत लगाव है। रियो प्रीत भी जाते हैं उनके घर पर और ये भी आती है, ये मैक्सिमम आती है घर में हम लोग के साथ मतलब रियो के साथ खेलने के लिए, और हम लोगों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है। तो यहाँ पर इसकी मम्मी आई है इसको बुलाने के लिए दूध पीने के लिए, तो मैंने इनको भी ऑफ़र किया कि झालमुड़ी खा लो। फिलहाल तो हम लोग एक साथ में ही रह रहे हैं, एकदम हमारे दरवाजे के सामने उनका दरवाज़ा है। तो हम सबका चाय पीना एंड गप्पे मारना हो चुका था, एंड उसके बाद मैं किचन आ गई थी। रियो मम्मी जी के साथ खेल रहा है, थोड़ी देर बाद मुझे उसको सुलाना भी है, तो मैंने सोचा उसके पहले बर्तन कर लेती हूँ। और ये सारे बर्तन लंच के है क्योंकि आज लंच करते थोड़ा लेट हो गया था, साढ़े चार ऑलमोस्ट बज गए थे, एंड उसके बाद मैं चली गई थी रियो को सुलाने, एंड उसके बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बर्तन कर लेती हूँ क्योंकि अगर अभी नहीं करूँगी तो बाद में नहीं कर पाऊँगी, एंड मम्मी जी आ जाएंगी किचन में डिनर बनाने के लिए तो वो कर लेंगी इतना सारा बर्तन, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो वैसे ही मतलब वो बहुत हेल्प करती है, रात का डिनर वो ही बनाती है क्योंकि मुझे 8 बजे के बाद पूरा टाइम रियो को देना पड़ता है, उसको सुलाने में फिर अच्छे से फ्रेश करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, तो मम्मी जी कर लेती है। चलिए गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बज चुके 8:30 और रियो को मैं फ़िलहाल खिला रही हूँ दूध बिस्किट, एंड उसके बाद मैं ले जाऊँगी फ्रेश होने क्योंकि सारा दिन का जो कपड़ा है वो मैं भिगा के रखती हूँ, रात को भी धोती हूँ, दिल में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्थी, अपनों के साथ रहिए, जितना हो सके अच्छा टाइम स्पेंड करिए, एंड आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना व्यूज़ आ रहा है, उन सब के लिए आप लोग को बहुत सारा थैंक यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मुझे मतलब वीडियो बनाने में मैं और थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ एंड और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, कॉन्टेंट अच्छा ला पाऊँ आप लोग के सामने। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल, टाटा।